हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में इजी होती है जहाँ पे नोआ ने उसे किस किया था और उसके बाद उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हें फिर से किस कर लूँ, लेकिन नोआ उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें कोई राइट नहीं है मुझे किस करने का। लॉन्ग कहता है मुझे पता है, उसे सॉरी बोलता है, जिस पे नोआ उसे इट्स ओके बोलता है, कहता है ये फिर से नहीं होगा और कहता है मुझे काफी लेट हो रहा है तो मुझे जाना होगा, लेकिन उसे रोकता है, कहता है कि हम एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे। नोआ कहता है क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वेडिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मैं अपने काम को लेकर काफी सीरियस हूँ, तो हम मिलेंगे। लॉन्ग कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, हम क्या वर्क के अलावा मिल पाएंगे। जिस पे वो कोई जवाब नहीं देता, उसे थैंक यू कहकर कहता है कि घर सेफली जाना, बाहर आके अपने आप को कहता है कि तुम क्रेजी मत बनो ना, और वहां से चला जाता है। लॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है, उसके बाद वो काफी अजीब सा रिएक्ट करने लग जाता है, जिसे रीवा नोटिस करती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे वो उसे पूछते हैं क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे दुनिया खत्म हो रही है। आगे से वो कहता है क्या इस तरह से इतना ऑब्वियस है क्या, फिर कहती है हाँ, तो मुझे बताओ क्या पता मैं तुम्हें लव एडवाइस दे पाऊँ। तो आगे से लॉन्ग कहता है ऐसा बिहेव करना बंद करो कि तुम एक एक्सपर्ट हो। ये वो कहती है कि मेरे पास अभी फ्री टाइम है क्योंकि मैं मैरिन का वेट कर रही हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। उसे कहता है ठीक है, पास में जब मैरिन को लगता था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो उसे कैसा फील होता था, तो वो कहती है वो तुमसे नफरत करती थी। लॉन्ग कहता है इसके बारे में मुझे पता है क्योंकि जब भी मैं आता था वो वहां से चली जाती थी। ये वो कहती है मैं उसकी जगह होती तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती क्योंकि वो थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती, और तुम्हें पता है ना मैरिन कैसी है। फॉर्चुनेटली मैंने उसके बारे में जान लिया क्योंकि वो भी मुझे पसंद करती है, मुझे भागने से रोक दिया। और फिर वो कहती है कि वो हमारी रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थी और कहती है तुम्हें नोआ को बता देना चाहिए, नोआ भी मुझे लगता है ऐसा ही फील कर रहा है और सब कुछ तुम्हें इसके साथ हैंडल कर लेना चाहिए। लॉन्ग को सब कुछ याद आता है जो भी नोआ ने उसे कहा था, और फिर वो कहता है मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है मैंने के लिए जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई बिचारी। जिस पे रीवा कहती है मुझे लॉन्ग के लिए बहुत बुरा लग रहा है, तो लॉन्ग कहता है अभी तक वो मेरे प्यार में नहीं पड़ा, और कहती है आगे से फिर भी अगर कभी पड़ा तो मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगेगा। उसके बाल खींचने लग जाता है और काफी तंग करता है उसे, कहती है कि तुम इस तरह से बिहेव करना बंद करो, हाँ मैं नहीं तो नोआ को बता दूंगी, और अपने बाल सेट करती है। मैरी वहाँ पे आती है, उसको शिकायत लगाती है कि इसने मेरे बाल खींचे हैं। तभी उसे ऑफिस से कॉल आती है तो वहाँ से चली जाती है, और काफी स्ट्रेस में लग रहा होता है तो मैरी इनसे पूछ लेती है कि क्या बात है। राम कहता है तुम और या तो एक जैसे बिहेव करती हो, और काफी स्माइल करता है। हमें दिखाते हैं युवा की मॉम जो कि अपनी फ्रेंड के साथ आ रही होती है उसी कैफे में कॉफी पीने के लिए। उसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि वो लॉम है, तो उसे कहती है ये तुम्हारा सन इन लॉ है ना, तो देखती है शीजे के साथ चिपक के और कहती है बात बदलते हुए ये मेरा सन इन लॉ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। उसे खींच के वहाँ से लेके चली जाती है। हमें नोआ दिखाते हैं जो कि काफी सैड होकर सोया पड़ा होता है, और प्राइस जिम इम को कह रहे होते हैं कि जाओ उसे पता करो क्या बात है, उसे जबरदस्ती भेजते हैं उसके पास। उसे स्नैक्स लेने की कोशिश करती है पर वो साफ साफ मना कर देता है, जिसपे वो काफी हैरान होते हैं। उसे कहती है कि हम ड्रिंक्स पीने जा रहे हैं तुम हमारे साथ आओगे, लेकिन इस पे भी वो मना कर देता है, जिसपे वो काफी हैरान होते हैं। इम आती है और कहती है वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहा, और वो कहते हैं इसलिए तो हम उसके लिए परेशान है कि क्या बात है, ऐसा लगता है जैसे उसके लिए दुनिया खत्म हो गई हो, इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके काफी वरीड हो रहे होते हैं। नोआ बाहर आता है, उसी बारे में सोच रहा होता है, अपने लिप्स को टच करता है और फिर थप्पड़ मारता है अपने आप को और कहता है तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए नोआ, सब कुछ भूल जाओ। तभी ऊपर से लॉम आ जाता है, फिर देखकर वो हैरान होते हुए कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसे कहता है तुम्हें भूख लगी है क्या, और आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है उसके साथ खाना खाने के लिए जाने के लिए। वो ट्रे लेके आता है जहाँ पे वो उसे बर्गर ड्रिंक्स वगैरह ऑफर करते हैं, वो साफ साफ मना कर देता है। उसे कहता है कि मैं कैसा लेके आया हूँ तुम्हारे, तुम्हें पसंद है ना, लेकिन फिर आगे से कहता है क्या बात है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया, तुमने मुझे कहा था कि कोई काम की बात करनी है। राम कहता है ये काम ही तो है, तो वो घड़ी देखता है और कहता है रात के इतने बज रहे हैं और डिनर के टाइम पे तुम कह रहे हो डिनर करना एक काम है, तो आगे से वो कहता है हाँ। राम कहता है तुमने आज के दिन कुछ खाया क्या, झूठ मत बोलना मुझसे, जिसपे वो चुप कर जाता है। उसे कहता है कि मैंने स्नैक्स खाए थे, उसे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बारे में पूछता है, इस पर चुप कर जाता है। तो आगे से लॉन्ग कहता है मैंने भी कुछ नहीं खाया, उसे ना खाने की वजह पूछता तो कहता है मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता था। आगे से लॉन्ग कहता है कि ये काम से रिलेटेड कैसे हुआ, लॉन्ग कहता है हुआ ना क्योंकि तुम मेरी वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मैं नहीं चाहता तुम बीमार हो जाओ। लॉन्ग कहता है ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन आगे से वो कहता है ये मेरा मसला है क्योंकि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। लॉन्ग कहता है अच्छा तो तुम डरते हो कि तुम्हारी शादी को ऑर्गेनाइज कौन करेगा, लेकिन वो उसका हार्ट टच करते हुए कहता है शायद, और वो उसे कहता है कि तुम अगर नहीं खा रहे तो मैं लेके जाता हूँ, लेकिन वो उसे ट्रे पकड़ते हुए कहता है तुम मुझे मनाना नहीं चाहते थे क्या। लॉन्ग कहता है तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्माइल करता है उसकी तरफ देख के। वो उसे ट्रे लेते हुए कहता है अच्छा वापस तो मुझे, लेकिन वो कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो खिंचातानी करते हैं, लेकिन नोआ काफी क्यूट सा फेस बनाता है, जिस पे वो अपना दिल हार देता है और उसे दे देता है ट्रे, वो दबा के खाता है। वो उसे कहता है तुम्हें पता है इस टाइम तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। नोआ कहता है हाँ क्योंकि मैं पहले ही क्यूट हुआ था, जिस पे वो स्माइल करता है। जो
बातें कर रहे होते हैं और लॉम का वेट कर रहे होते हैं। जैसे वो आता है तो वो अपनी अदालत में काफी सारे सवाल करना स्टार्ट कर देती हैं कि तुम मैरिन के साथ क्या कर रहे थे, और जीवा की माँ बुरा भला बोलने लग जाती है मैरिन के बारे में और कहती है जब मैंने जीवा से बात की मैरिन के बारे में तो वो मेरे से ही लड़ने लगी कि मुझे मैरिन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस पे लॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं आपने पक्का कोई बुरी बात कही होगी। हालांकि जीवा ऐसी बात नहीं करती और कहती है अगर आप लोगों की ये डिस्कशन खत्म हो गई तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उसे कहती है अच्छा ये बात छोड़ो, और कहती है मैंने सुना है कि तुमने प्री शूट नहीं रखा और फोन से ही फोटो लेने के बारे में डिसाइड किया, क्या तुम मेरे लिए प्री शूट भी नहीं कर सकते? इस पे वो कहता है मैं आपको मना कर सकता हूँ क्या, और वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। फिर वो खुश होती है कि अब वो प्री शूट करेंगे। हमें दिखाते हैं ना जो कि काफी सीरियस लग रहा होता है, पास का हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसे फोन आया था युवा का जिसने उसे प्री शूट के बारे में कहा था। वो काफी गुस्सा करता है, कहता है ये मुझे पागल बना रहा है। और प्रेजेंट के सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को कह रहा होता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अपने आप को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है। लॉन्ग ऊपर से आता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को क्यों मार रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसके चीप के हाथ मारते हुए कहता है कि तुम्हारा चीप बिल्कुल रेड हो चुकी है, तुम इस तरह से क्यों कर रहे थे? उसके काफी करीब आया खड़ा होता है, उसे दूर होता है, कहता है तुम काफी जल्दी नहीं आ गए। तो आगे से लॉन्ग कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहता था इससे मैं जल्दी आया। हाँ लॉन्ग कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, मेरी माँ की वजह से प्री शूट रखना पड़ा। ना कहता है कि ये हमारे काम का हिस्सा है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे ड्रेसिंग रूम में जाके ड्रेस चेंज करने को कहता है, कहता है फोटो शूट करने आए तो जल्दी जाओ तुम। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि हम बात नहीं कर सकते पहले। तभी ये आ जाती है और वो उसे दूर होता है। पर कहते मैंने तुम लोगों को इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन ना कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे। और वो आगे से कहती है लेकिन तुम दोनों तो काफी क्लोज लग रहे हो, जिसपे वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है हम काम की बात कर रहे थे। वहां से चले जाता है तो जीवा बहुत बार सॉरी बोलती है, कहती है मैं तो बस तुम्हें टीज करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था वो यहाँ से चला जाएगा। लॉम कहता है तुम्हें पता है ना वो इन चीजों को काफी सीरियस ले लेता है, और पहले इसके दिल में मेरे लिए नेगेटिव चीजें हैं और तुमने उसको और भी खराब कर दिया। जिसपे वो कहती है मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, फ्यूचर में भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन उसे मना कर देता है ऐसे करने से। वो कहती है तुम्हें नोआ को सब कुछ बता देना चाहिए। लॉम कहता है मैं अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें मैं उसे बताऊँ। तो वे उसके मॉम की कॉल उसे आती है, जिसपे वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि वो दोनों वहीं पे आ रही होती है, और उसे बताती है काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो दोनों एंट्री मारती है वहाँ पे, जहाँ पे नोआ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उनके पास जाकर उनका हेलो बोलता है, उनके साथ काफी बातें करता है। लॉम की मॉम बात कर रही होती है गैस को लेकर, तभी लॉम आ जाता है। वो कहता है मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गैस से, डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। जिसपे वो चुप कर जाती है। तभी इधर से जीवा आती है, जिसको देखकर जीवा की मॉम बहुत खुश होती है और उसकी काफी तारीफ करती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो ये वो। और उसके साथ साथ ही है उसको वो नेकलेस पहनाने की कोशिश करती है, और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे लॉम कहता है कि तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ मेरी बात सुननी है। उसे नेकलेस पहनाते हैं जो कि काफी प्यारी लगने लग जाती है। उसे दूर होने लगता है, लेकिन लॉम तो उसके पीछे पीछे ही जा रहा होता है। वो खड़े होते हैं जहाँ पे लॉम कहता है मुझे लगता है हमें शो स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो जल्दी हम काम फिनिश नहीं कर पाएंगे। वहां से चला जाता है। हमें मैरिन दिखाते हैं जिसे पैकेज आता है, और इसमें काफी प्यारी सी ड्रेस होती है जो कि युवा ने भेजी होती है। ऊपर उसने लिखा होता है एक नोट पे एक ब्राइड के लिए ब्राइड की तरफ से ड्रेस, जिसपे वो काफी खुश होती है। वो बाहर आके बैठा होता है, काम की बात कर रहा होता है, किसी से ऊपर से लॉम आता है और उसका हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन हिचकिचाता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे वो कॉल कट करता है वो रियलाइज करता है कि लॉम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ, तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लॉम कहता है क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो इसलिए मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ। लेकिन नॉ कहता है मैं तो तुमसे नाराज नहीं हूँ। लॉम कहता है अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो आज सारा दिन तुमने मेरी तरफ स्माइल करके क्यों नहीं देखा, मुझे एक स्माइल तो दो। नॉ कहता है कि तुम जीवा से जाकर क्यों नहीं लेते? लॉम कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी स्माइल देखनी है। जिसपे वो दांत फाड़ के उसे दिखाता, कहता है अब तुम खुश हो क्या? और फिर वो कहता है मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो कहता है अभी मेरी ब्रेक चल रही है और मैं काफी टायर्ड हूँ। ना कहता है तुम इस तरह से टायर्ड कैसे हो सकते हो? और लॉम उसका हाथ पकड़े रहते हुए कहता है कि मैं काफी टायर्ड फील कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, जब मैं होता हूँ तो मैं अच्छा फील करता हूँ। और आंखें बंद करके बैठा रहता है और कहता है मेरी सारी टायर्डनेस दूर हो जाती है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, सब मुझे कमी नहीं बनती दिखाने दो। और ऐसे उसका हाथ पकड़े रखता है, शूट हो रहा है और उन दोनों की मॉम उनकी तारीफ किए जा रही थी कि वो दोनों प्यारे लग रही है एक दूसरे के साथ, और फाइनली 10 साल के बाद वो शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर वो काफी सीरियस लग रहा होता है। और लॉम ये बात नोटिस करता है कि नोआ काफी सीरियस लग रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है दोनों अच्छे लग रहे हैं ना? इस पे वो स्माइल करता है और कहता है हाँ ऐसा लगता है दोनों के ऊपर से जोड़ी बन के आई है, और काफी सैड फील कर रहा होता है। हमें दिखाते वो ऑफिस जाता है और अपनी और नोआ की बातें याद कर रहा होता है, उनकी मॉम की भी बातें याद कर रहा होता है। हमें दिखाते हैं वो वापस जाने लगता है ऑफिस, और उन दोनों को काफी ब्राइटली स्माइल करके फोटो शूट कराते हुए देखता है। वो वापस आता है और खुद को कहता है तुम इस तरह से अपने साथ कैसे कर सकते हो नोआ, तुमने ये कैसे होने दिया? और अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है मॉम मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं हमारे घर को बहुत मिस कर रहा हूँ। उसे कहती है तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें काम परेशान कर रहा है? इसपे वो कहता है मैं आपको हग करना चाहता हूँ, मैं विश करता हूँ कि कभी मैं आपके पास होता, मैं अभी बहुत टाइट फील कर रहा हूँ। तो उसे कहती है तुम आ जाओ मेरे पास,
मैं तुम्हें हग करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। वो रोते हुए कहता है, माँ बहुत लेट हो चुकी है, मैं उसके प्यार में पड़ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। और बहुत रोता है और ये सब कुछ इम सुन लेती है। और हमें दिखाते हैं लॉन्ग जो कि उसे ढूंढ रोता है नोआ को, और तभी उसे कॉल करता है पर वो कॉल पिक नहीं करता। वो स्टाफ से पूछता है तो वो बताते हैं कि वो ऑफिस चला गया है, जिसपे वो फिर से कॉल उसे करता है, वो फिर भी पिक नहीं करता। ये वह उसके पास आती है और नोआ के बारे में पूछते, तो वो बताता है वो चला गया और मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा, जिसपे वो कहती है मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ उसे बता देना चाहिए, मुझे लगता है हमारी मॉम ने उसे कुछ कहा है जिसकी वजह से वो काफी सहर लग रहा था। और ऐसे कहती है इसलिए तुम्हें उसे डिनर के लिए बुलाने चाहता था और सब कुछ बताना चाहता था। और वो कहती है इसका मतलब वो पहले ही यहाँ से चला गया और तुम्हारा चांस चला गया। वो मैरिन के बारे में बात करता है तो वो कहती है हाँ, वो कह रही थी कि उसे इस सब चीजों की आदत पड़ चुकी है, पर मैं नहीं चाहती मेरी गर्लफ्रेंड को इन चीजों की आदत पड़े। मेरी मॉम क्यों नहीं समझ रही कि मेरी खुशी किस चीज में है। वो उसे कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। दोनों खड़े होते हैं। रिवा वापस आती है पर मैरिन उसे अंदर नहीं आने दे रही होती क्योंकि उसने ड्रेस पहनी होती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और कहती है तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, और उसे लिपस्टिक लगाती है, उसके तरह स्माइल करते हुए देखती है और कहती है तुम्हें पता है कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि मेरा कद तुमसे छोटा है, क्योंकि वो उसे किस करती है और कहती है मैं तुम्हें किस कर पाती हूँ आसानी से। वो दोनों एक दूसरे को किस करती है। हमें लॉन्ग दिखाते हैं जो कि कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है नोआ को, पर वो पिक नहीं करता। वो जिम जाता है, वहां पे भी वो उसे कॉल करता है पर वो फिर भी पिक नहीं करता। वो वेक बोर्डिंग के लिए जाता है, वहां पे भी कॉल करता है पर वो तब भी पिक नहीं करता। उसे मैसेज करता है कि मेरी कॉल पिक करो, पर आगे से रिप्लाई करता है कि तुमने कोई बात करनी हो तो तुम मुझे मैसेज कर दो, पर आगे से लॉन्ग कहता है कि मुझे कॉल पे ही बात करनी है, और अपनी रिंग निकाल के फेंकने लगता है लेकिन फिर से पहन लेता है क्योंकि उसे पता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो घर आता है जहाँ पे उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती है एक और बात करने के लिए कि मैंने तुम्हारा रूम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है और अब मैं ऑर्गेनाइज करूंगी दो बंदों के लिए। तो आगे से कहता है क्यों मेरा रूम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो फिर से आप। तो कहती है क्यों नहीं, क्योंकि तुम शादी करने वाले हो यहीं पे रहोगे। लेकिन वो कहता है मैं आपको पहले भी से सब कुछ कह दिया था कि मैं अलग से रहूंगा, पर उसे आगे से लड़ती है तो वो यही कहते हुए कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा लड़ते वहां से चला जाता है। मॉम पीछे से काफी गुस्सा कर रही होती है। हमें दिखाते हैं प्राइस घर जा रहा होता है, उसे कहता है तुम भी घर चले जाओ, लेकिन आगे से नोआ कहता है मुझे कुछ काम है उसके बाद ही मैं जाऊंगा। उसे कहता है कॉल पिक करो, इस बंदे के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो तुम्हें कॉल कर रहे हो, और मुझे सनसनाहट फील हो रही है अपनी पूरी बॉडी में, और वहां से चला जाता है। नोआ कहता है मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है। हमें लॉन्ग दिखाते हैं जो कि काफी ड्रंक हो चुका होता है और नोआ को कॉल किया जा रहा होता है, और फिर कहता है तुमने मुझे मजबूर किया है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, और उसे देर दिना दम मैसेज करता है जिसपे वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, और कहता है इस तरह से क्यों मैसेज कर रहे हो मुझे, हाँ मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो, मैं मूव ऑन आना चाहता हूँ। लेकिन उसे मैसेज करता है कि मुझे पता है मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ। नोआ कहता है तो फिर मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो तुम, मुझे हर्ट कर रहा है। मैसेज कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो नोआ कहता है तुम इस तरह से क्यों खेल रहे हो, उसे प्लीज दिखता है कॉल पिक करने का, जिसपे वो कॉल करता है उसे। लॉन्ग आगे से कहता है फाइनली तुमने आंसर किया मेरी कॉल को, अलार्म को नोआ कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या बात है मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कोई भी बात हो तो मुझे मैसेज कर देना, तुम मेरी बात सुन रहे हो। वो कहता है हाँ। नोआ कहता है तो तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, हाँ मुझे बुलाई क्यों जा रहे हो। अलार्म कहता है मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी आवाज सुन के, जिसपे वो हैरान होता है। उसे कहता है क्या बात है बताओ मुझे, लेकिन वो उसे कहता है अलार्म के तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। नोआ कहता है कि मुझे काफी काम है तो मुझे नहीं पता मैं कब यहाँ से जाऊंगा। अलार्म कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा यहाँ पे जब तक तुम नहीं आओगे, और कॉल कट कर देता है। वो वहां से फौरन जाता है उसे मिलने के लिए। वो वहां पे पहुंचता है और कहता है तुम काफी ड्रंक लग रहे हो। लॉन्ग कहता है मुझे खुशी हुई तुम यहाँ पे आए, और आगे से नोआ कहता है अगर मैं ना आता तो तुम सारे रात यहाँ पे वेट करते। इस पे लॉन्ग कहता है हाँ प्लान तो मैंने यही किया था। वो ड्रिंक करने लगता है, वो उसे रोकता है और कहता है तुम्हें और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, बताओ मुझे क्या बात है। और वो उसे कहता है तुम उन चंद लोगों में से हो जिनके साथ मैं अपनी सब फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। नोआ कहता है ये अच्छी बात है ये बुरी। लॉन्ग कहता है ये एक बुरी बात है क्योंकि मेरे काफी सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी कि इस एज में भी आकर मैं अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रहा हूँ। नोआ कहता है मैं तुम्हारी किसी चीज में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग कहता है वेडिंग प्लान के तौर पे मत करना, किसी और रूल के तौर पे। वो कहता है मुझे काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं तो मैं किस चीज के लेके तुमसे बात करूं। वो उसे चुप कराता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन नोआ पीछे हट जाता है और कहता है फ्रेंड के तौर पे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिस पर नोआ एग्री हो जाता है और कहता है हाँ फ्रेंड के तौर पे, कंधे पे सर रखता है और सो जाता है। नोआ उसे कहता है तुम्हें पता है फ्रेंड का लफ्ज काफी सिंपल है लेकिन ये मुझे काफी हर्ट कर रहा है। उसे घर लेके आता है और कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने के लिए आया, मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ। उसके बेड पे फेंकता है और कहता है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, समझ रहे हो तुम, वहां से चला जाता है एक बार लेकिन फिर आ जाता है और कहता है नोआ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए क्या, स्टूपिड कहीं के, वापस क्यों आए तुम। उसका शूज उतारता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम कितने स्पेशल हो मेरे लिए, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। और फिर कहता है तुम मेरी फीलिंग्स के साथ इस तरह से क्यों कर रहे हो, पहले तुमने मुझे किस किया और फिर कन्फेस किया, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, और तुम्हें पता है जब भी मैं प्यार में पड़ता हूँ तो मैं काफी सीरियस हो जाता हूँ, और जिसको मैं लाइक करता हूँ उसके लिए मैं मूव ऑन जल्दी नहीं हो पाता, और मुझे नहीं लगता मैं तुमसे मिल पाऊंगा, वहां से जाने लगता है। लेकिन लॉन्ग उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचता
कर कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा, उसे किस करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। वो दोनों सोए पड़े होते हैं जहाँ पे ना सोया हुआ था और लोग अपनी रिंग उतार के वहाँ पे रख देते और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।